हेलो दोस्तों, बात करते हैं मदरसन सोमी की। 269 रुपए का स्टॉक है हमारे सामने, 13% की बेहतरीन रैली यहां पर आई है। बड़ा स्टॉक है, उसके बावजूद भी एक अच्छी रैली यहां पर आती रही है लगातार। स्टॉक की बात करें तो यहां पर 108 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो कि काफी गजब का वॉल्यूम है फॉर अ स्टॉक लाइक दिस। यहां पर बाजार के हालात कुछ अच्छे नहीं है यहां पर, बट स्टिल यहां पर मदरसन सोमी ने अपोजिट डायरेक्शन में एक रैली दिखाई है 13% 13.5% की। बात करेंगे इस वीडियो में खरीदारी करके क्या पैसा बनाया जा सकता है, अगले टारगेट्स क्या होने चाहिए, बेचना कब है स्टॉक को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रैली आती है, प्रॉफिट बनता है और उसके बाद रैली मिस हो जाती है, गिरावट हो जाती है और दोबारा से वो जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात करेंगे मदरसन सोमी को लेकर के, बेचना कब है, यहाँ पर खरीदारी करें तो टारगेट क्या रखें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात मदरसन सोमी की करें तो 269 का स्टॉक है हमारा। चार्ट पैटर्न बहुत गजब कर रहा है, वॉल्यूम बहुत तेजी से आया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में फ्लैट चार्ट था और खबरों की वजह से स्टॉक आज चला है हमारा और वॉल्यूम बहुत गजब का है, ओवर 100 मिलियन का वॉल्यूम आया है। वहीं पर बाजार की बात करें तो बाजार के हालात बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। बाजार में आज के दिन में हमारी आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद जो क्लोजिंग आई है हमारी कहीं ना कहीं फ्लैट क्लोजिंग आई है और फ्लैट क्लोजिंग की वजह से ही आप देखेंगे तो बाजार में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। हालांकि बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी भी आई है, रिलायंस में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है, रिलायंस को छोड़ दिया जाए तो यूपीएल टाटा स्टील हिंडालको जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिली है। फ्लैट चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें, फ्लैट बाजार की बात करें तो कहीं ना कहीं डीआईआई एफआईआई के हालात इस समय पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। डीआईआई ने 230 करोड़ की यहां पर बिकवाली की थी बाजार में, सॉरी खरीदारी की है, एफआईआई ने बिकवाली की है। कल के चार्ट है हमारा, आज का चार्ट हमारा कहीं ना कहीं अपोजिट है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो डीआईआई ने बिकवाली की होगी और एफआईआई ने खरीदारी की होगी। एक मंशा है कि आरबीआई की वार्निंग के बाद यहां पर ये लोग बाजार को न्यूट्रल जोन में रखना चाह रहे हैं ताकि मार्केट जो है हमारा वो कूलिंग ऑफ पीरियड में, आप देखेंगे तो कोविड-19 में इस बार का जो सेकंड वेव है वहां पर गिरावट नहीं हुई बाजार में, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये लोग बाजार को अब यहां पर थोड़ा सा न्यूट्रलिटी में रखेंगे कुछ दिनों तक और वो न्यूट्रल रहना जरूरी भी है। बात करें यहाँ पर मदरसन सोमी की तो मदरसन के स्टॉक का प्राइस अभी 255 का एक अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट बनता है आपके लिए। अपर साइड पर अगर हम बात करें 289 के आसपास का आपके यहाँ पर एक पहला टारगेट है, अगर 289 ब्रेक होता है तो 309 के आसपास का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस जोन आएगा, यानी 309 रुपए का हमारा टारगेट है। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैग्डी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, खरीदारी का चार्ट है हमारा यहाँ पर, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं। आरएसआई की बात करें तो कहीं ना कहीं आरएसआई ओवरबॉट जोन में जरूर देखने को मिलता है, बट स्टिल जिस तरह के वॉल्यूम इसमें आया है अभी रैली बरकरार है। अगर गिरावट होती भी है यहाँ पर क्योंकि वो होगी, ओवरबॉट जोन में है आरएसआई हमारा, तो 2-3% की गिरावट एक्सपेक्ट करके चलिए, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो 309 रुपए का टारगेट है हमारे सामने। खरीदारी करने की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना है स्टॉक को। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, कुछ पूछना हो तो